आगामी राजनीतिक परिदृश्य को लेकर सुप्री ब्राह्मण समाज द्वारा मातेश्वरी में एक बैठक आयोजित की गई। प्रदेश संयोजक रामजी व्यास ने बैठक को संबोधित किया और क्या कहा, देखिए हमारे संवाददाता मुकेश कौल की खबर। हुई आज मेरी 64 साल की उम्र है, 5 साल बाद 70 की हो जाएगी और ईश्वर साक्षात भगवान परशुराम साक्षी है। मैं तो राजनीति 60 वर्ष का हुआ था जब मैं संन्यास दे लिया था। मजबूरी में प्रारंभ में एक चुनाव पास अधिकारी बच्चे ने दबा दिया, बड़ा गए परिणाम जो भी हुआ प्रारंभ के अंतर में मानता हूँ सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके बाद भी जो घटनाक्रम घटित हुआ और आज तक इस सीपरी जिले में निवास तक कोई भी ब्राह्मण बता दे कि मैंने कभी किसी का बुरा किया हो, आहित किया हो, आहित में साथ दिया हो, किसी भी चीज में तो मुझे बता सकता है। या सार्वजनिक मंच में मैं पूरे सीपरी के ब्राह्मण समाज से सामने ले मैं गर्व से कह सकता हूँ मैंने कभी किसी ब्राह्मण समाज के युवा का कभी विरोध नहीं किया। कुछ काम भी कर रहे हैं समाज के लोग, आज मैं नाम नहीं ले रहा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं साथ दूं, लेकिन कुछ परिस्थिति होने के बावजूद भी आज कई परिस्थिति 6 महीना से मेरे बाद में है, लेकिन के बावजूद भी मैं बहुत सी चीजों में मैं नहीं सोचता कि कभी किसी ब्राह्मण का मैं विरोध करूं और ना मैं करूंगा, क्यों मेरा तो जीवन कट गया है। आज एक बात समझ लें और एकता तो आपने देखी है, मैं कहना नहीं चाहता मैं राजनीतिक दल में हूँ, एकता देखी है। एक व्यक्ति कांग्रेस ज्वाइन किया, एक भाई अपने ही एक पहलवानी ने ज्वाइन की और एक मिनट बीएसपी भी थी, बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी थी। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास चांद प्रेमल है, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन ये काम नहीं कर क्योंकि आज मामला जब समाज हित का है तो मैं मेरे समाज का हूँ, इसमें मुझे जीना है, इसमें ही मुझे मरना है। तो मैं अपने समाज हित की बात नहीं करता, मैं भी नहीं जाता, जो करना है मैं कर सकता था, घर घर जाता सकता था। मेरे से प्रेम करने वाले जो परिवार है उनमें मैं अधिकार रखता हूँ, उनमें जा सकता था, एक एक परिवार में विनती कर सकता था, वोट की विनती कर सकता था, लेकिन क्योंकि समाज इतना सबने कहा कि मंच पे हम लोग बैठे सब आज देखे और बात करें उसमें उसी के तहत बात की। आदरणीय वकील साहब ने अपनी बात की, पता कोई ऐसी बात उसको आप गिरा सकें या उनका सम्मान भी अच्छे ही गा सकें, अच्छी बात की। दुबे जी ने जो बात की, सबने जो वक्ताओं ने बात की, किसी ने कोई निजी की बात की। राजीव दुबे जी को चुनाव लड़ना है, वकील साहब को कोई चुनाव लड़ना है क्या? राजीव शर्मा जी को चुनाव लड़ना है क्या? किसी को नहीं लड़ना। हम तो ज्यादातर लोग जो आप बैठे हो 90% सत्यम हमारा बच्चे जैसा है, सब जानता है वो भाई, बचपन से मंच दिए, बोलने दिया, कुछ हुआ थे ब्राह्मण समाज के मंचों पर बुला के कहा करता था सब यूथ बच्चों को। आज ये चीज के नाम लिखे हो गए थे, या तो पहले आके बोल दो कि हमको बोलना है, नाम की चर्चा हो गई थी, राकेश शर्मा जी ने नाम लिख लिए थे, उन नामों पर बात हो गई थी कि जो नाम बोलेंगे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आपने भी अपनी राय सकती हो, जब कोई निर्णय तो ऐसा हो नहीं गया। और मैं थोड़ी असंतोष हुआ, बेगन हुआ, होते रहते हैं, समाज का मामला है, घर में भी चार बर्तन होते हैं तो भटकते हैं क्या, और उसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह उपस्थित ब्राह्मण समाज से एक मेरा निवेदन है कि ब्राह्मणों के नाम पे कौन ब्राह्मणों को भेजता है इस चुनाव के बाद से आप सब लोग देखेंगे, सीपरी का समाज पूरा देखेगा, हम बेचते हैं, ये लोग बेचते हैं या और कोई बेचता है, कौन समाज इसमें काम करता है, कौन डिब्बा और निजी इसमें काम करता है, सबको समझ में आ जाएगी। हम किसी से राग द्वेष नहीं रखते, हमारे तो गाँव के लड़ रहे हैं सामने, हमारे सामने कांग्रेस पार्टी हमारे तक कहीं गए भी नहीं है किसी तरह से। हम अपने घर पे आज कोलास में भी ब्राह्मण समाज की एक बड़ी बैठक थी, सभी लोगों को उनको भी पीड़ा है कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, हम बैठक करके ही मैं आया शिवरी, और किसी से कोई यहाँ कोई जमीन जायदाद की दुश्मनी तो है नहीं, क्या कोई किसी से कंपटीशन हो रहा है, डिबेट प्रतियोगिता हो रही हो, लेकिन कौरी एक सीट थी, सब जानते थे कि ब्राह्मण सीट है। आज कौरी में ब्राह्मण किस स्थिति में हम देख रहे हैं कि उनका सामान्य सम्मान भी नहीं है, वोट के समय केवल वोट देने के लिए लगे हम लोग शिवरी में। आप लोगों ने देखा, कोई वकील साहब ने कहा हमें अपराध करो तो मुझे सजा मिले, आप अपराध करो सजा मिले, और दलों में तो अपराध के और जाति तो अपराध के बाद भी एकता हो जाती। हमने दो चुनाव यहाँ देखे हैं, माधक माखनलाल राठौर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे आदरणीय और विधायक, उनके समाज के साथ हम लोगों ने देखा, नगर पालिका के अध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाहा उनको अपने समाज के साथ देखा। हम आज मैं भी चुनाव लड़ा, मेरे को भी समाज ने भरपूर साथ दिया, भले कुछ भी हो 5-5 लोगों ने प्रारंभ कर दिया,
लेकिन 90% ब्राह्मण समाज ने मेरा साथ दिया और ब्राह्मण समाज साथ देता है ब्राह्मणों का, कम नहीं देता। मैंने जो महसूस किया कि जब वो एक बार किसी पद पे आ जा, मैं विधायक बन जाऊंगी एक बार, मैं नगर पालिका में कोई, और फिर मैं किसी ब्राह्मण की सुनू ही ना, तो मुझसे जब नाराज होंगे तो अगली बार मुझसे नाराजगी में हो सकता है बोलकर। पहली बार नए आदमी को ब्राह्मण समाज हमेशा साथ देता है, और जे मैंने देखा अपन में भी कोई एकता में कमी नहीं है। बहुत से कार्यक्रम अपन ने सीपी शहर में किए करते रहे हैं, और आज बड़ा यक्ष प्रश्न है, गंभीरता पूर्वक हिंदू राजनीति को त्याग के यदि हमने ये विचार नहीं किया तो आप जो समझ लें, ये युवा जो सामने बैठे हैं, सब लोग जो बात कर रहे हैं, जिनके सामने पूरा भविष्य पड़ा है, ये सारे यूथ जो बैठे हैं, इन्हें कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। और पिछले 15 वर्षों में ब्राह्मण समाज के किसी यूथ की क्या पहचान रही है, वो भी मुझे कोई बता सकता है तो बता दे क्या पहचान रही है।